तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा लाइफ ऑफ डायमेंशन में होता है और उसके सामने उस डायमेंशन के किंग का पैलेस होता है। तभी वेजिटा उसे देख के कहता है, तो लगता है कि ये वही पैलेस है जिसके बारे में मुझे वीस ने बताया था, और शायद इस डायमेंशन का किंग इसी पैलेस में होगा। तो अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे उसके पास जाना होगा। और ये कहने के बाद वेजिटा उस पैलेस के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। और तभी वेजिटा जैसे उस पैलेस में एंटर करता है, उसे काफी ज्यादा शक्ति का एहसास होने लगता है, जो देख के वेजिटा कहता है, आखिर इतनी शक्ति, लेकिन ये किसकी हो सकती है? इससे पहले मैंने इस डायमेंशन में किसी की भी शक्ति को महसूस नहीं किया था। तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम कौन हो जो बिना बताए मेरे पैलेस में आ चुके हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर एक शख्स आता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद करने यहाँ पर नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम, मुझे मालूम है कि इस डायमेंशन के किंग हो, और तुम्हारे अलावा मुझे इस डायमेंशन से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो तुम सीधी तरीके से मुझे इस डायमेंशन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस डायमेंशन को खत्म कर दूंगा। और ये सुन के वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, जरा एक मिनट, तुम अभी तो मुझसे मिले हो, क्या तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगे? मेरा नाम हर्ट्स है और मैं इस डायमेंशन का किंग हूँ। तुम कह सकते हो कि ये लाइफ ऑफ डायमेंशन मेरा बनाया हुआ डायमेंशन है, और अगर तुम्हें इस डायमेंशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें पहले मुझसे होके गुजरना होगा। और ये सुनते ही वेजिटा सीधा बिना कुछ बोले अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम जैसे किसी के पीछे बर्बाद करूं, मुझे मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जाना है, तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से बाहर निकलूंगा। और वेजिटा की ये बातें सुन के वो शख्स हंसता रहता है, और तभी वेजिटा उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। जिसके बाद हम सभी को ट्रंक्स और गोहान का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन उसे धीरे धीरे करके होश आ चुका होता है। और तभी ट्रंक्स गोहान से कहता है, हे गोहान, आखिर वो ज़ाइकोर कहाँ पर गया? जिसपे गोहान कहता है, ट्रंक्स वो यहाँ से भाग गया, लेकिन हमें उसे कुछ ना कुछ करके रोकना होगा, क्योंकि मुझको उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। जिसपे ट्रंक्स कहता है, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ना ही डैड यहाँ पर है, ना ही कोकू, और साथ ही में जिनोसामा भी अब यहाँ से जा चुके हैं। गोहान, तो हम अब क्या करने वाले हैं? जिसपे तभी गोहान कहता है, जरा रुको, मुझे कुछ सोचने दो। और ये कहने के बाद गोहान कुछ सोचने लगता है, और तभी गोहान कहता है, चलो ट्रंक्स, हम वीस के पास जाने वाले हैं, और अब जो कुछ भी हम आगे करेंगे हमें वीस ही बताने वाला है। और ये कहने के बाद गोहान और ट्रंक्स वीस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद तभी गोहान को सभी एंजल्स की पावर एक साथ महसूस होनी चालू होती है, और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सभी एंजल्स लेकिन एक साथ में, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? और ये कहने के बाद जैसे ही ट्रंक्स और गोहान वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सारी एंजल्स को बंदी बनाया होता है, और वहां पर वीस भी होता है। और वीस को देख के गोहान कहता है, हे वीस, आखिर ये सब कैसे हुआ? और तुम यहाँ पर? वीस गोहान और ट्रंक्स को देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है, और वीस कहता है, गोहान तुम और ट्रंक्स भी, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जो सुन के ट्रंक्स कहता है, लेकिन वीस आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सभी एंजल्स? जिसपे तभी वीस कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर मोरो आ जाता है, और मोरो को देख के गोहान कहता है, क्या आखिर ये कौन है वीस, क्या तुम ही ने वीस और सभी एंजल्स को बंदी बना रखा है? जिसपे वो शख्स हंसता रहता है। और तभी ट्रंक्स कहता है, एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं भी देखा है, क्या तुम उस ज़ाइकोर के साथी हो? जिसपे तभी मोरो कहता है, हाँ बच्चे, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं ज़ाइकोर का साथी हूँ। लेकिन तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर इन एंजल के पीछे आए हो? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला,
और ये कहने के बाद गोहान तभी अपना हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो बड़ी आसानी से बच जाता है। और वह तभी गोहान के ऊपर अपना सिर्फ एक हमला करता है, जिससे गोहान वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है, जो देख के ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने गोहान को, वो भी एक अटैक पे। जिसपे वीस कहता है, ट्रंक्स मैंने तुमसे कहा ना, तुम गोहान को लेके जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, तुम में उतनी शक्तियाँ नहीं है। लेकिन ट्रक्स वीस की बातों को नहीं सुनता और वो पावर अप करके अपने सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी ट्रक्स मोरो के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है, लेकिन मोरो हंसते हुए उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। और वो कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे ही सयन से पहले मिल चुका हूँ। जिसपे ट्रंक्स कहता है, भले ही तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें खत्म करके इन सभी एंजल्स को वापस आजाद करके रहूंगा। और ये कहने के बाद ट्रंक्स अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो लगातार अपने एक के बाद एक मोरो पे काफी सारे हमले करने लगता है। और मोरो उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो। और ये कहने के बाद मोरो अपना एक हमला करता है ट्रंक्स के ऊपर, जिससे ट्रंक्स चोट खाके काफी दूर जा गिरता है। और मोरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, जब मैंने इन सभी एंजल्स को यहाँ पर बंदी बना रखा है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैं खत्म कर चुका हूँ, तो तुम जैसा कोई पिद्दी सयन क्या मेरा सामना भी कर सकता है, उसके बारे में तो जरा सोचो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते उसे एक आवाज सुनाई देती है, ट्रंक्स अकेला नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा लगा था। और हम देखते कि यहाँ पर गोहान भी खड़ा हो चुका होता है। और तभी गोहान और ट्रंक्स एक साथ मिलकर अपने काफी सारे हमले मोरो के ऊपर लगातार करते रहते हैं, लेकिन मोरो उन सभी के हमलों से बड़ी आसानी से बचता रहता है। और तभी मोरो अपना एक हाथ आगे करता है और वो गोहान के अंदर की सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींचने लगता है, जो देख के गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिर ये क्या कर रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा। और तभी ट्रंक्स भी अपना हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिसे मोरो बड़ी आसानी से डॉच करके ट्रंक्स पे एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे ट्रंक्स चोट खाके काफी दूर गिर जाता है। और तभी हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके गोहान काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। और तभी मोरो कहता है, तो देखा तुम पिद्दी सयंस ने, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम पिद्दी सयंस मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सच बताऊं तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, और अब देखो तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। और ये कहने के बाद मोरो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोहान और ट्रंक्स की तरफ करता है, और वो दोनों ही इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और तभी गोहान कहता है, नहीं मैंने अपनी नई फॉर्म का पिछली बार इस्तेमाल किया था, जिस वजह से मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा। और ट्रंक्स भी काफी ज्यादा घायल होता है। और तभी मोरो कहता है, अब मरो पिद्दी सयंस। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, मोरो को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सयंस को कमजोर कहने की, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हम सयंस में कितनी ज्यादा शक्तियाँ होती है। और तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते हैं वहां पर वेजिटा खड़ा होता है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। सो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम फाइनली 80,000 सब्सक्राइबर्स अपने इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे मालूम है कि आप सभी को मेरी स्टोरी बनाई हुई पसंद आ रही है, तो आप सभी मुझे अपना और भी ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम 1,00,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर कम्प्लीट करने वाले हैं।